बहुत पुराने समय की बात है। एक एक नगर में एक राम नाम का बनिया रहता था। उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी का नाम रीमा था। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राम सिर्फ पैसे के चक्कर में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मजे में कट रही थी। रीमा का नियम था, वह धर्मराज जी का व्रत करती और कथा कहती। यह सब देखकर राम को बहुत गुस्सा आता। अब तो हर बात पर झगड़ा शुरू कर देता। राम कहता, या तो तुम मुझे छोड़ दो या तुम पूजा पाठ करना छोड़ दो। मां पूजा करना नहीं छोड़ी। अब तो राम का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता चला गया और उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। रीमा चलते चलते कुछ दूर गई। मां उसको किसान खेत में काम करते मिली। रीमा उनसे बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग मुझे कोई काम दे दीजिए। किसानों ने उसे काम पर रख लिया। रीमा काम करते हुए धर्मराज जी की कहानी उन किसानों को सुनाती। किसानों को कहानी सुनकर बहुत आनंद आया और वह रीमा से बोली, बहन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रीमा तैयार हो गई। वह किसान अकेला रहता था। उन्हें खाना बनाना आता नहीं था। वह कच्चा चावल ही खा लेता था। यह सब रीमा देखकर बोली, भैया कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। किसान ने सोचा शायद ज्यादा खाती होगी, इसलिए ज्यादा अनाज की मांग कर रही है। अगले दिन किसान 8 मुट्ठी चावल लाए। रीमा ने धर्मराज जी का पूजा करके सारे किसानों को बैठाकर कथा सुनाई, फिर सभी को खाने को दिया। सब बोले, बहन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने पहले कभी नहीं किया था। अब तो सभी किसान अपनी सगी बहन की तरह रीमा का ख्याल रखने लगे। उधर राम के घर में रीमा के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस के लोग कहने लगे, या तो रीमा के भाग्य का खाता था, फिर भी उसे घर से निकाल दिया। राम को अब बहुत पछतावा हुआ। अपनी पत्नी को खोजने घर से निकल गया। चलते चलते उसी खेत में पहुंचा जहां किसान खेत में काम कर रहे थे। राम उन्हें देखकर बोला, भाई मुझे भी कोई काम दे दो। किसानों ने राम को काम पर रख लिया। राम रीमा को याद करता और रोता। यह देखकर सभी किसानों को उस पर दया आ गई और वह अपने साथ उसको घर चलने को कहा। राम मान गया, उनके साथ घर गया। रीमा मेहमान आया जानकर घूंघट कर रखी थी। किसानों ने बोला, बहन आज एक थाली ज्यादा परोसना। रीमा ने हां में सर हिला दिया। पहले तो उन सभी के लिए भोजन निकालकर दे दिया, फिर राम के लिए भोजन निकालने लगी। तभी धर्मराज जी महाराज ने रीमा का हाथ पकड़ लिया। किसान बोले, बहन खाना क्यों नहीं दे रही हूं? तो रीमा बोली, मैं क्या करूं भाई, मेरा हाथ तो धर्मराज जी पकड़ डेक रखा है। सभी भाई बोली, बहन मुझे भी दर्शन करना है, धर्मराज जी कृपा करके हमारे सामने आने को बोलो। रीमा की प्रार्थना पर धर्मराज जी महाराज सबके समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। रीमा ने घूंघट उठाया तो राम और रीमा एक दूसरे को देख लिया। राम ने रोते हुए रीमा से और धर्मराज जी महाराज से क्षमा मांगी। रीमा को अपने साथ चलने को कहा। रीमा ने भी राम को माफ कर दिया। सभी किसानों ने मिलकर रीमा को ढेर सारा सामान देकर विदा किया। अब तो रीमा और राम मिलकर धर्मराज जी महाराज का व्रत करते और कथा भी कहते। धर्मराज जी के आशीर्वाद से उनका घर धन धान्य से भर गया और कुछ दिनों में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आनंद पूर्वक रहने लगे। हे धर्मराज जी महाराज, जैसा आपने रीमा पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहने वाली, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले को भी अपनी असीम कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय।